नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सलमान बट ने एशिया कप 2023 से पहले भारत की बल्लेबाजी को लेकर निशाना साधा है। दरअसल भारत को एशिया कप में अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ कैंडी में खेलना है। पूर्व पाकिस्तान सलमान बट ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि भारत से काफ़ी उम्मीदें हैं, इसलिए दबाव भी ज़्यादा है। और चूंकि भारत में लंबे समय से किसी भी कारण से पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेला है, इसलिए उनके खिलाड़ियों ने चाहे कितना भी आईपीएल खेला हो, उन्हें इस तरह के हाई वोल्टेज मुकाबले में खेलने का अनुभव नहीं है। चाहे सुबह, दोपहर, शाम आईपीएल खेल ले, चाहे आप आईपीएल में कितना भी खेल ले, या उतना दबाव नहीं लाता जो भारत पाकिस्तान मुकाबले के दौरान होता है। पूर्व पाकिस्तानी सलमान बट ने अपने यूट्यूब चैनल पर भारत की गेंदबाजी को लेकर कहा कि अगर हम भारत की तेज गेंदबाजी को देखें तो फिटनेस चिंता का विषय है। खिलाड़ी लंबे समय से अनफिट है, हमें नहीं पता कि वे नाजुक है, क्या वे पूरी ताकत लगाएंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा उनके पास युवा खिलाड़ी हैं जिनके पास काफी क्रिकेट खेली है, लेकिन उनके पास उतना अनुभव नहीं है। भारत ने तभी मैच जीते हैं जब रोहित शर्मा ने अच्छा खेला हो या विराट कोहली ने कुछ शानदार प्रदर्शन किया हो। जब जिम्मेदारी दूसरे पर होती है तो वे अधिकतर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के पास बाबर, रिजवान, फकर, शादाब, शाहीन, हारिस रऊफ है, और मेरी राय है पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा कोर ग्रुप है। भारत के पास भी जडेजा, शमी, बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे मैच विनर खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी कमजोर है। अगर पाकिस्तान दो बड़े विकेट ले लेता है तो दूसरे को बहुत कुछ साबित करना होगा। उन्होंने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ या अपने यहाँ मैच जीतने की मदद नहीं की है। सलमान ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि अतिरिक्त लाभ है, हमारे पास ऐसे गेंदबाज है जो 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं। केवल एक या दो ही 90 पर माइल घंटे की रफ्तार को छू सकते हैं, अन्य के पास इतनी गति नहीं। यह एक अतिरिक्त लाभ है। हमारे पास दोनों तरह के स्पिनर हैं, तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर है, और वह भी 140 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार छूते हैं। आप सलमान बट के बात से कितना सहमत रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी स्पोर्ट्स अपडेट के लिए देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।